चीन कभी किसी का सगा हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। पिछली बार भी कोरोना की पहली लहर के दौरान भी ये देखा गया था कि चीन ने दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े उपकरणों को बेचकर भारी मुनाफा कमाया। ऐसे में एक बार फिर भारत को कोविड संकट में फंसा देख चीन मदद के नाम पर मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में है। न केवल चीन की कंपनियों ने मेडिकल उपकरणों की बढ़ती मांग के कारण इनके दाम बढ़ा दिए हैं, बल्कि चीन से घटिया क्वालिटी के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी आ रहे हैं। एक रिपोर्ट में कुछ दस्तावेजों के हवाले से लिखा गया है कि चीन की कंपनियों ने न केवल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के दाम में इजाफा किया है, बल्कि इनके कई कॉम्पोनेंट्स में भी बदलाव कर दिए हैं, जिसके कारण इनकी गुणवत्ता का स्तर गिर गया है। जानकार मानते हैं कि ऐसे घटिया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के कारण लोगों की जान को खतरा हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि चीन की इन कंपनियों ने 5 और 10 लीटर वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के दाम भी अलग अलग रखे हैं। बीते हफ्तों इनकी कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हुई है, जबकि दूसरी ओर चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे वो भारत तक मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। भारत में चीन के राजदूत सन विडोंग चीन से आ रहे सामानों पर आए दिन ट्वीट कर रहे हैं। वो चीन की भारत के प्रति दरियादिली की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन से सामान लाने वाले भारतीय खरीदारों का कहना है कि नई सप्लाई में क्वालिटी को लेकर काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कई कंसाइनमेंट्स भी इसलिए रद्द कर दिए हैं क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो असल कंपोनेंट्स के सस्ते विकल्प हैं, इसलिए लोगों की जान को खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही सामान की क्वालिटी को लेकर भी कोई जाँच नहीं हो रही है। एक खरीदार ने कहा है कि लेकिन हम आधी क्वालिटी वाले वो महंगे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं जो हजारों घंटों के बजाय सैकड़ों घंटे ही चल रहे हैं। ऐसे में चीनी कंपनियों द्वारा दाम बढ़ाए जाने पर भारत ने विरोध दर्ज करवाया है। साउथ चाइना मॉनिटरिंग पोस्ट से बातचीत में हांगकांग में भारतीय राजदूत प्रियंका चौहान ने चीनी प्रशासन के सामने ये मामला उठाया है। भारत ने उम्मीद जताई है कि चीन संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कीमतों में कमी करेगा। प्रियंका चौहान ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि सप्लाई चेन खुली रहेगी और सामान की कीमत भी स्थिर होनी चाहिए। बेशक आपूर्ति और मांग पर दबाव है, लेकिन फिर भी सामान की कीमतों में स्थिरता होनी चाहिए। उन्होंने चीनी व्यापारियों को लेकर कहा है कि मुझे नहीं पता है कि इस मामले में उन पर चीन की सरकार का कितना प्रभाव है, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो ये स्वागत योग्य है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।